हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप शर्मा। दिस इज योर चैनल फिजिक्स बाजार। और आज का आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे। यू ऑल वेरी वेल। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोशन इन अ प्लेन, और इसका एक छोटा सा पार्ट है सर्कुलर मोशन। इससे पहले के वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं मोशन इन अ प्लेन का, काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन इन अ प्लेन। इसके लिए हम एक वीडियो पहले, अभी इससे पहले की वीडियो मैंने बनाई थी, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके आ चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए देखिए, ये भी एक प्लेन का ही मोशन है बेसिकली सर्कुलर मोशन। आप किसी थ्रेड से कोई स्टोन बांध लेंगे, उसे इस तरह से घुमा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से वो राउंड 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 घूमता है, एक सर्कल के अंदर घूमता रहता है, या उसे ऐसे भी घुमा सकते हैं, इस तरह से घूमता रहता है, तो दैट्स कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो इस कंडीशन में कोई भी पत्थर है, कोई भी चीज है, ठीक है, कोई बॉल है, यहाँ वो इनिशियल पोजिशन उसकी ये है, कुछ समय बाद वो यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। तो ये जो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस। भाई ये एस वन था, ये एस टू था, ठीक है, तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एस, एस टू माइनस एस वन। हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो इसकी रेडियस है सर्कल की वो आर है, ठीक है, कुछ समय बाद वो यहां से यहां पहुंच जाता है। इसका जो एंगल में चेंज हुआ, चेंज इन एंगल, वो मान लेते हैं हम थीटा। ये कितना चेंज हुआ, थीटा एंगल चेंज हुआ। तो यहां से एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा एस, ठीक है। यहां क्योंकि ये मोशन सर्कुलर मोशन है, तो अब बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डेल्टा थीटा, या थीटा कह सकते हैं आप कि भाई ये थीटा वन था, यहां थीटा टू था, ठीक है, थीटा वन माइनस थीटा टू। अगर मैं एक और लाइन लेना चाहूंगी ना कि भाई ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, ठीक है, तो डेल्टा थीटा कितना हुआ, दैट विल बी डेल्टा थीटा, थीटा टू माइनस थीटा वन। तो इस तरह से हम ले सकते हैं दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस डेल्टा थीटा। आर्क कितना है बेटा, डेल्टा एस अपॉन रेडियस कितना है, आर, ठीक, डेल्टा एस अपॉन आर। तो ये हमारा बन गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट होता है बेटा रेडियन। क्या यूनिट होता है इसका, रेडियन। इसका यूनिट बनता है रेडियन। ये होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। इसके बाद भाई ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया है, अब हमारे सामने डिस्प्लेसमेंट हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये होती है लीनियर लीनियर वेलोसिटी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। लीनियर वेलोसिटी वी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ओमेगा, लेटर ओमेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसे क्या है, क्या बोलते हैं, ओमेगा, क्या होता है ये, ओमेगा, ठीक है, डब्ल्यू की तरह से बनता है, थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ उठा देते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इस तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यूनिट बन जाएगी रेडियन पर सेकंड, यूनिट बन जाएगी रेडियन पर सेकंड। इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, क्योंकि डेल्टा थीटा के लिए भी अभी हम निकाल चुके हैं इससे पहले कि डेल्टा थीटा क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन आर होता है, ठीक है, डेल्टा थीटा क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक, ओके। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा की जगह पे क्या पुट करता हूं, डेल्टा एस अपॉन
आर इंटू डेल्टा टी। तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये क्या बन जाता है, लीनियर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये एक रिलेशन बन गया हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, हमारा एक रिलेशन आ जाता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। तो हम देख रहे हैं कि एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी हुई, ओमेगा क्या यूनिट है रेडियन पर सेकंड, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक, इसके बाद बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है, ठीक है हिंदी में बोल देता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसमें अंदर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है नीचे की तरफ आप देखेंगे पत्थर बांध के ऐसे घुमाएंगे तो उंगली पे एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ, इसे बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और ये हमेशा अंदर की तरफ सेंटर की तरफ अप्लाई होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, ये हमेशा अंदर की तरफ अप्लाई होता है, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से इसके अंदर एक सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, और ये होता है बेटा ए, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम में होता है, तो फोर्स एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर ये लिख सकते हैं हम, वी की जगह हम अगर आर ओमेगा पुट कर दें, आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा आर ओमेगा स्क्वायर, और यहां आ सकता है बेटा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, अगर लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में फोर्स होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर या आर ओमेगा स्क्वायर। खैर ये तो बीच की बात आ गई, मैंने बीच में ऐसे ही बता दिया है, लेकिन अभी जब हमने एंगुलर वेलोसिटी की बात की है तो बेटा हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। कैसे की बात करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर अल्फा से। तो आप जैसे कि जानते हैं कि सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम, वही बात आ गई। अल्फा रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यूनिट बनेगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा अभी अभी हमने देखा है कि ओमेगा जो होता है बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां पुट कर देंगे अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, टी इंटू डेल्टा टी, तो क्या बन गया डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी स्क्वायर। अभी आप देख सक रहे हैं कि डेल्टा थीटा इसका यूनिट है रेडियन, टी का यूनिट है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर, ये सारे के सारे सर्कुलर मोशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें आएंगी हमारे पास में, हमारे सामने, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, वीडियो देखना मत भूलना। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।